बसमिल वरि वक् मैं आज आप लोगों के साथ आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर क्योंकि ये रेसिपी है ट्रेडिशनल एंड सीजनल यानी कि रिवायती और मौसम के हिसाब से बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ आप भी क्या याद करेंगे कि भाई मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना नई नई सी रेसिपीज लेकर आता हूँ लेकिन आप लोग इतना याद ही नहीं करते मैं ख़ुद ही आ जाता हूँ पार्ट ऑफ जोक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ चुकंदर पालक गोश्त की रेसिपी चुकंदर बहुत ही खूबसूरत आया हुआ है इतना खूबसूरत चुकंदर आया हुआ है कि मेरा दिल किया इसके साथ मैं आज कुछ करूँ नया और नया तो कर नहीं पाया लेकिन मैंने सोचा जो रेसिपी हम लोग खाते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आता हूँ उसको बनाता हूँ बिल्कुल औरिजिनल वाली जो हम बचपन में खाते थे अब तो भाई वो चीज़ें मिलती नहीं है तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ चुकंदर पालक गोश्त की रेसिपी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि जब ये रेसिपी मैं बना रहा था तो मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर दूंगा नो इशू लेकिन रेसिपी आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा भाई क्योंकि मैं रेसिपी के बगैर रहता नहीं हूँ यहाँ पे देखे मैंने एक बगोना लिया उसमें तेल डाला और ऊपर से मैंने डाली इस तरह से मोटी कटी हुई प्याज प्याज को बस ट्रांसपेरेंट करना है ब्राउन करने की टेंशन नहीं लेनी गोश्त के साथ ये प्याज खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाएगी गल जाएगी बिल्कुल गायब हो जाएगी बस जायका रह जाएगा प्याज नजर नहीं आएगी इनशाला ऊपर से डालेंगे लहसन अदरक का पेस्ट एक एक चमचा भर के लहसन अदरक का पेस्ट डाला इसको दो मिनट के लिए इसको मैं भूलूंगा इसके साथ क्योंकि गोश्त की जो एक ठीक होती है ना वो लहसुन अदरक के डालने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसका जायका अच्छा सा आता है बस इसमें डाला एक चमचा भर के मैंने लाल पिसी हुई मिर्च आधा चमचा मैंने इसमें डाला गरम मसाला पाउडर और जनाब इसमें शामिल किया आधा चमचा यानी कि चाय वाला जो आधा चमचा होता है ना वो डाला मैंने इसमें कुरियन पाउडर ओ सॉरी टोमेरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर ये आ गया जी पिसा हुआ धनिया पाउडर भाई ज़बान जो है ना कभी कभी ट्विस्ट हो जाती है आगे पीछे हो जाती है आप लोग इग्नोर कर दिया करें लेकिन आप ये देखा करें रेसिपी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है बस अब इसमें शामिल करेंगे ऊपर से इस तरह से मोटी मोटी सी कुटी हुई हरी मिर्चें कुटी हुई मतलब कि मैंने हाथों से ही इसको मैंने कूट लिया था मशीन में नहीं किया ये आठ से दस अदस हरी मिर्चें आप चाहे तो आप इसमें कम कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो और ज़्यादा कर सकते हैं एस पर हरी मिर्च की मिर्च यानी कि उसकी तेज़ी के हिसाब से पानी शामिल कर दिया गोश्त को मैं रख दूंगा गलने के लिए अभी गलने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगा चुकंदर पालक चुकंदर देखे मैंने इस तरह मोटा मोटा सा आपको जो काट के दिखाया था ना इस रेसिपी में इन शह आखिर तक बिल्कुल वैसे ही रहेगा इसको मैं घोटना नहीं है चुकंदर को ना भाई घोट के अगर इसको खाना है तो फिर उसका मज़ा ख़राब हो जाता है इसके जितने भी प्रोटीनस होते हैं ना वेजिटेबल्स के वो हम इंतहाई बहुत ही ज़्यादा इसको पका के बहुत ज़्यादा कुक करके जो ना वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता तो मैं ऐसे रखूँगा बिल्कुल मोटा मोटा सा यानी कि खिला खिला सा इसके जो चुकंदर के जो जायके जो प्रोटीन हैं ना वो ऐसे ही आते हैं तो बस ये मैंने चुकंदर डाल दिया अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगा जनाब पालक इस सब की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता ज़रूर हूँ वहाँ से आप देख लिया करें क्या क्या क्वांटिटी है किस हिसाब से मैंने चीज़ें ली हैं और कितनी देर मैंने इसे कुक किया है ये कैसे तैयार हुआ है तमाम चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करता हूँ वहाँ पे जाया करें वहाँ देख लिया करें यहाँ पर आप लोग टेंशन ना लिया करें यहाँ बस तरीका देखा करें मैं किस तरह से पका रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में जाया करें वहाँ से रेसिपी कॉपी करें सेम पकें इनशाला आपको बिल्कुल वैसे ही मज़ा आएगा जैसे कि मुइस फूड सीक्रेट के किचन में मुइस को आता है तो यहाँ देखें भाई इसने अच्छा खासा पानी सब्ज़ी ने भी छोड़ा है गोश्त में भी पहले से पानी था अब मैं इसकी भुनाई करूंगा भुनाई करने के लिए चमचा मैं इसमें बहुत तेज़ी से नहीं चलाऊंगा बहुत ही प्यार प्यार से चमचा चलाने भुनाई करनी है क्योंकि मुझे सब्जी को जो है ना मैश नहीं करना सब्जी को इंतहाई बहुत ही ज़्यादा मैश कर लूंगा ना तो उसका मज़ा भी खराब हो जाता है और उसका फायदा भी खराब होता है टमाटर मैं अब शामिल करूंगा क्योंकि इसमें जो है ना टमाटर ऊपर से थोड़े थोड़े से साबुत साबुत से अच्छे लगते हैं ऊपर से मजीद मैंने इसमें तीन से चार अदद हरी मिर्ची लेके बीच में से इस चीरा लगाया और उसको डाल दिया आप चाहें तो आप इसमें जो है ना ज़्यादा भी डाल सकते हैं कम भी डाल सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट यहाँ देखिए मैंने आपको चुकंदर दिखाया ना किस तरह से खड़ा खड़ा सा ये इन शाला आखिर तक वैसे ही रहेगा बिल्कुल भी ये मैश नहीं होगा तो बस मैं बुनाई पर लगाता हूँ और बुनाई करते करते यहाँ देखें भाई बुनाई देखें कितनी शानदार सी बुनाई हुई है इसकी अच्छा बुनाई में जो है ना आप लोग एक बात का ख्याल रखा करें चूल्हे की यहाँ अगर तेज़

तो बस देखें ये सालन भी भुनाई पे आ चुका है जल्दी से करते हैं सर्व सर्विंग टाइम होता है ना सर्विंग टाइम में मुझसे सबर नहीं होता असल बात यह है कि जब सर्विंग कर रहा होता हूँ ना तो बस मेरा दिल करता है जल्दी जल्दी से खाना शुरू कर दूँ लेकिन मेरे इतने प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं उनको आखिर तक ले कर जाना पूरी रेसिपी में ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मुझे भी मज़ा नहीं आता ना आपको एंड तक ना लेके जाऊँ तो बस ये देखें जनाब सर्विंग धुआंधार सी हो रही है इसके ऊपर से और मज़ीद इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए हरी मिर्चें ऊपर से डालेंगे आप सोचेंगे हरी मिर्चें हरी मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई जनाब टेंशन ना लें ये बड़ी वाली हरी मिर्चें इसमें तेज़ी नहीं होती सिर्फ जायका होता है और ख़ूबसूरती होती है तो हरी मिर्च डालनी ऊपर से मैस में डालूंगा बारीक कटी हुई अदरक यानी कि जिंजर जुलियांस तो इस जिंजर जुलियांस के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा मुझे बताइएगा ज़रूर रमज़ान सीरीज़ वाली रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों तो को कैसी लग रही हैं उसमें और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मज़ीद आने वाली हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मुनफरद और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़